HTML की आज की क्लास में हम सीखेंगे टेबल टैग। तो स्टार्ट करते हैं टेबल टैग। लिखेंगे आप HTML, एंटर, देन HTML टैग को करेंगे क्लोज, अगेन हेड, और हेड को करेंगे क्लोज, और उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर, इसको थोड़ा सा मैं टैब दे देंगे ताकि अलग से दिखे आपका, ये यहाँ पर टाइटल में लेंगे, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं आप, बट मैं टॉपिक के लिखूंगा अकॉर्डिंग टाइटल। ओके, अब हमारा जो भी पेज बन के आएगा उस पेज का नाम बन जाएगा टाइटल। ओके, तो इजीली हमें समझ में भी आ जाएगा कि इस पेज में क्या रिजल्ट आ रहा है। अब लिखा मैंने बॉडी, बॉडी को करेंगे क्लोज, अगेन बॉडी वाले पार्ट में मैंने लिखा टेबल, तो थोड़ा सा मैं टैब देके लिखूंगा मैं ताकि इजीली आप लोगों को मालूम चले टेबल। सेटिंग बाद में कर लेंगे आप। ओके, टेबल में क्या करेंगे, इस टेबल टैग के अंदर एक रो बनाएंगे। टेबल तो हमने बना ली, अभी क्या करना है मुझे, एक सिंबल रो करनी है ड्रॉ। तो मैं लिखूंगा इसमें TR ओपन एंड TR को करेंगे क्लोज। ओके, इससे क्या होगा, एक रो बन जाएगी, एक सिंपल रो बन जाएगी। ओके, तो सिंपल रो मुझे नहीं बनानी, मुझे क्या करना है, उस रो के मुझे करने हैं पार्टीशन। ओके, कितने पार्टीशन करने हैं, 3 पार्टीशन करने हैं या 4, जैसे कि अभी अभी क्या होगा, फिलहाल मैंने ओपन किया MS Paint दिखाने के लिए, आपको समझाता हूँ मैं आपको मैं। ओके, अभी तो फिलहाल ये एक ऐसा एक रो बन जाएगा बस। ओके, मुझे करने क्या है, मुझे इसके 3 करने पार्टीशन ऐसे। ओके, तो वो कैसे होगा, अभी सिंपल आपने लिखा TR, तो ये ड्रॉ हुआ आपका बस। ओके, तो इसके पार्टीशन करने के लिए क्या करेंगे, इसमें आएंगे आप, थोड़ा सा मैं टैप दे दूंगा इसी में, और इसके अंदर लिखा मैंने TD, टेबल डेफिनेशन। ओके, इस रो में लिखेंगे, जो फर्स्ट कॉलम बनेगा आपका उसमें लिखूंगा 1, और ये बन गया आपका फर्स्ट कॉलम। अगेन कॉपी पेस्ट करेंगे, 2 और बना लेंगे आप, 3 कॉलम बन गए। ओके, ये एक रो है आपकी। ओके, ये रो आपकी यहाँ पर ओपन हो गई और यहाँ पर क्लोज हो गई, उस ओपन एंड क्लोज रो में 3 कॉलम बना दिए मैंने यहाँ पर, ये रहेगी। ओके, चेंज कर लेते हैं 2, एंड यहाँ पर लिखेंगे आप 3, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, इतना करने के बाद में आप फाइल को सेव करेंगे, नाम दिया मैंने टेबल डॉट HTML। अब क्या करेंगे, अपनी फाइल को ओपन करेंगे, जिस किसी लोकेशन पे आपकी फाइल सेव होगी उस लोकेशन पे जाएंगे आप। मेरी फाइल सेव होगी इस फोल्डर में, इस फोल्डर में ये आपका टेबल। ओके, ये 1, 2, 3 लिखा हुआ आ गया। ओके, एक रो में 3 कॉलम बन गए, तो मुझे और भी रो बनाने हैं इसमें, तो क्या करेंगे, इसी को आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी किया मैंने और नीचे लाकर यहाँ पर कंट्रोल वी देन वी। ओके, अब फाइल को यहाँ पर आप सेव करेंगे। ओके, फाइल को सेव करने के बाद क्या करेंगे आप, ओपन करेंगे ये, देन करेंगे रिफ्रेश। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मान लीजिए मुझे इसमें बॉर्डर लगाना है, क्या लगाना है, बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर लगाने के लिए क्या करेंगे आप, अब इधर आएंगे टेबल वाले पार्ट में आएंगे आप, और लिखेंगे बॉर्डर इक्वल 1 लिखा मैंने, और फाइल को सेव कर देंगे आप। अगेन इसको यहाँ से करेंगे रन। ओके, ये बॉर्डर बन के आ गया आपके इसमें।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें आप थोड़ा सेल जो जितने भी सेल हैं उसमें आप स्पेस दे सकते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर सेल स्पेसिंग इक्वल, मैंने लिखा फिलहाल तो 50 कर दिया मैंने। और चेंज करने के बाद फाइल में, आप फाइल में अगर उसको सेव करेंगे देन अपनी उस फाइल पे जाएंगे ओके, और उसको करेंगे रिफ्रेश 50। और इसी में मैंने क्या करा, मैंने इसी में सेल पैडिंग कर दी, सेल पैडिंग इक्वल 50 कर दी मैंने। तो अब देखते हैं अब क्या होगा। फाइल को आकर अब सिंपल सेव करेंगे, अगेन इसको करेंगे रन ओके। आई होप ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। तो क्लास को मैं करता हूँ स्टॉप।